मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। भारतीय संस्कृति भूले कमलनाथ, सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, ग्रामीणों ने लगाए सचिव पर गंभीर आरोप और उपचुनाव में नुक्कड़ नाटक की एंट्री। खबर की ओर रुक करने से पहले इस वक्त हम रुक करेंगे सबसे पहले ब्रेकिंग की ओर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सांवेर क्षेत्र से। जी हां, हम पहले खबर के पहले हम रुक करेंगे सांवेर जहां से एक बड़ी खबर आई है। पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई है। जी हां, सांवेर के चंद्रावतीगंज थाने पर उप महानिरीक्षक के आदेश की अवहेलना की गई है। आदेश के बाद भी प्रधान आरक्षक थाने में मौजूद प्रधान आरक्षक को जबकि मिल चुका है गौतमपुरा जाने का आदेश। जी हां, तो सांवेर के चंद्रावतीगंज से, वही सांवेर जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, सांवेर के चंद्रावतीगंज से एक बड़ी खबर आई है। पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेश की यहां धज्जियां उड़ाई जा रही है। चंद्रावतीगंज थाने पर उप महानिरीक्षक के आदेश की अवहेलना की गई है। आपको बता दें कि आदेश के बाद भी प्रधान आरक्षक थाने में मौजूद हैं, जबकि प्रधान आरक्षक को गौतमपुरा जाने का आदेश दे दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी वो अब तक चंद्रावतीगंज थाने में ही मौजूद हैं। 17 सितंबर को प्रधान आरक्षक सत्यनारायण पटेल को आदेश दे दिया गया था, इसके बाद भी वो उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसके पहले भी उप महानिरीक्षक के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई थी। तो चंद्रावतीगंज में एक बार फिर वही किया गया है। चंद्रावतीगंज थाने में उप महानिरीक्षक के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई है। आपको बता दें 17 सितंबर को प्रधान आरक्षक सत्यनारायण पटेल को एक आदेश दिया गया था जिसमें उन्हें गौतमपुरा जाने के लिए कह दिया गया था। बावजूद इसके प्रधान आरक्षक ने नहीं ऐसा किया, उन्होंने आदेश की धज्जियां उड़ाई। इस आदेश की धज्जियां उड़ाकर वे चंद्रावती गंज थाने में ही मौजूद हैं। उप महानिरीक्षक के आदेश की अवहेलना की गई है। बहरहाल चंद्रावतीगंज में बार बार लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसके बाद हम रुक करेंगे खबरों की ओर। आपने जाना अभी सांवेर की बड़ी खबर, सांवेर से बड़ी खबर के बाद अब रुक करते हैं हम आज की खबरों की ओर। अभी पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें 9 दिन माता के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही भारत की संस्कृति हमेशा से रही है जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, अन्य संस्कृति से कई ज़्यादा सम्मान यहां किया जाता है। स्त्री को हमारे यहां माता का दर्जा दिया जाता है, माता के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। पर वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयान में एक ऐसी घिनौनी बात की जिसने भारत की संस्कृति को ही शर्मसार कर दिया। कमलनाथ ने बीच सभा के बीच भाजपा नेता कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी को आइटम कह डाला, जिसके बाद सभा में मौजूद सारी भीड़ कमलनाथ की बात पर हंसने लगी। कमलनाथ शायद भूल चुके हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने भरी सभा में सिर्फ इमरती देवी का नहीं बल्कि एक नारी का अपमान किया है, भारतीय संस्कृति का भी अपमान किया है। अब देखना यह है कि कमलनाथ के इस तरह के बयानों का उपचुनाव पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें लगातार कमलनाथ इस दौरान विवादित बयान दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने मीडिया को अपनी रडार पर रखा था, अब इमरती देवी पर उन्होंने हमला बोला और इमरती देवी को उन्होंने आइटम जैसी उपाधि दे दी जो उनके लिए शोभा नहीं देता। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम दूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम दूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? पंचायतों में घटिया निर्माण कार्य, बहुत ही साधारण सी बात है। ऐसे कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन गरोट जनपद के गांव सिमरोल मृतकों के नाम मनरेगा की राशि डालने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। इस मामले पर खबर 100 ने प्रमुखता से आवाज उठाई थी। इसी के बाद एक नया मामला सामने आ गया है जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव ने
बिना निर्माण कार्य कराए ही सीसी रोड के पैसे निकाल लिए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। राकेश मोहले, मैं यहाँ आक्याकोर पंचायत के अलग गांव में एक और हिंगुरिया खेड़ा वहाँ का निवासी हूँ। किस आशय की शिकायत की और क्या हुआ अभी तक कार्रवाई में? सर, हमने गांव की सभी समस्याओं को लेकर ग्राम सभा में मांग उठाई, इसके अलावा जनपद सीओ साहब को भी लिखित में ज्ञापन दिया, माननीय जिला सीओ साहब को भी हमने लिखित में ज्ञापन दिया। काफ़ी समय हो गया हमको भी, लगभग पिछले 5 से 6 साल में हमारी पंचायत बिल्कुल देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी पंचायत में कोई आज़ादी नहीं मिली। सभी लोग मजदूरी के निवासी है और सभी जीवन यापन मजदूरी करके ही करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। विकास के नाम पर लोग बोलते हैं कि करवा देंगे, लेकिन आज तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है। मैंने माननीय सीओ साहब अपने गरोट को भी बोला, मेरे 181 पे लगभग 5 से 6 शिकायतें कटा दिए, तो मेरे हेल्पलाइन से मैसेज आया था, तो मैंने नंबर आए थे उनको, तो उनको फ़ोन लगा के बोला, मैंने कहा सर आपने निरीक्षण किया था यहाँ पर आकर? तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला है कि हाँ जांच हुई थी। मैंने कहा सर मैं यहाँ 24 घंटे का निवासी हूँ, मैं यहीं था, कोई टीम नहीं है आपकी। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि टीम आएगी और मैं खुद आऊँगा 1 से 2 दिन में, लेकिन अभी 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कहाँ से कहाँ तक रोड डबल बना है? ये निहाली भाई के घर से दानी सिंह रतनलाल जी के घर। कैसा बना रोड? रोड पहले बना हुआ ही नहीं था और उसे अब बना के डबल राशि निकाल ली रोड की। डबल बार रोड बना है ऐसा रिकॉर्ड में है? हाँ, क्या हाँ, रोड एक बार ही बना है? हाँ, एक बार ही बना। ये अभी फर्स्ट है, अभी तो बना। अच्छा, पहले भी राशि हाँ, निकाल चुके हैं हाँ, उसकी हाँ। देखो पंचायत तो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक सभी मेंबर, सभी वार्ड के मेंबर सभी मिलकर पंचायत का सहयोग करते हैं और एक व्यक्ति कोई पंचायत नहीं चलाता है और गांव में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हमारी पंचायत में बहुत अच्छे काम हुए हैं और हम पंचायत का सहयोग करते हैं सभी पंचमल के। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो सही है? बिल्कुल, तो शिकायत निराधार है, ये राजनीतिक द्वेष भावना है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो ऐसा करवा रहे हैं। आरोप निराधार हैं, जहाँ पे रोडें बनी हैं वहाँ वो DPR में सम्मिलित हैं और राशि आने पर उनका प्राथमिकता से वरीयता क्रम अनुसार निर्माण करवाया जाए। राजगढ़ के सारंगपुर में पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर जिले में IPL का सट्टा खिलाते आरोपी को दबोचने में सफलता प्राप्त हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SR दंडोतिया और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सारंगपुर जोएस दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सारंगपुर हाकम सिंह पवार और उनकी पुलिस टीम ने मिलकर मुखबिर की सूचना पर IPL का सट्टा खिलाते लोगों पर दबिश दी है। अवैध रूप से सट्टा खिलाने के अपराध में आरोपी मुजफ्फर के साथ साथ पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये मुखबिर की सूचना मिल रही थी पहले कि IPL का सट्टा खिलाते हैं, कल भी पूर्व में भी मिली थी, कल भी मुखबिर की सूचना मिली जिससे वेरीफाई किया। और नासिर पटवा, ये इसका भीलू दरवाजे के पास में गली में इसका मकान है 2 मंजिल, जिस पर छत पे अपने लोगों को सट्टा खिला रहा था IPL का, कुछ लोग काम भी कर रहे थे, जिसमें पहले महिला ने दरवाज़ा लगा लिया तो नीचे रस्सी के सहारे नीचे चले गए, मतलब निकल गए। और एक व्यक्ति जो बोटा ताजा था ना, नहीं निकल पाया मुजफ्फर, जो बताता कि 500 रुपये उसका वो सट्टा लिखता है व्यक्ति के घर में, उसको पकड़ा और बैग वगैरह कैलकुलेटर इस तरह 2,87,820 रुपये उसके हिसाब मिला है और 71,000 रुपये के मोबाइल मिले थे, 3,500 रुपये कैलकुलेटर और 200 रुपये के चार्जर मिले हैं। चूँकि ये सट्टे की सूचना मिली थी और ये बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें स्टाफ की मदद से लोगों की मदद से उसे पकड़ा है, आगे भी इस तरह का अगर चलेगा तो बिल्कुल कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए हर हथकंडे को अपना रही है। इसी कड़ी में सांवेर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी नुक्कड़ नाटक करवाकर अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में चंद्रावतीगंज में प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में नाटक मंडली ने नुक्कड़ नाटक खेला, जिसमें जनता के सामने प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष की बात रखी गई। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।